पाने के लिए ये जद्दोजहद, गला तर करने के लिए ये मशक्कत, ये सूखी धरती, ये प्यासी आंखें, गर्मियों की आमद के साथ ही अकाल की आहट को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये कहानी किसी गांव या मजरे की नहीं, ये कहानी किसी शहर या मोहल्ले की नहीं, बल्कि ये कहानी राज्यों से बढ़कर लगभग एक तिहाई देश की है, जहां पानी की कमी आम लोगों के जीवन के सामने एक चुनौती बनकर पेश आ रही है। चुनौती प्यास बुझाने की, चुनौती जीवन यापन की, चुनौती एक एक बूंद पानी के संघर्ष की। गर्मियों की दस्तक ने जो हालात सामने रखे हैं, उन्हें सिस्टम की खामी कहें या कुदरत की मार, लेकिन असल बात तो यह है कि इन हालात ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, जहां वो बेबस है, हताश है, परेशान है। पानी की इस कमी से कैसे जूझ रहा है देश का हृदय प्रदेश, आइए आपको इसकी पानगी दिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 13 राज्यों में जल संकट की आहट। WHO की माने तो 2025 तक भारत जल दबाव की स्थिति में होगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जल समस्या विकराल हो सकती है। संबंधित चुनौती को लेकर कोई भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही। मध्य प्रदेश में गर्मियों की दस्तक के साथ ही कई जगहों पर हालात गंभीर। 117 निकायों में एक दिन, 25 निकायों में दो दिन छोड़कर मिल रहा है पानी। यहां पर नल जल योजना के तहत करोड़ों की राशि का नहीं दिखा असर। तस्वीर इतनी भयावह है कि इसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। खासकर हम अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां ऐसा किया भी नहीं जा सकता, बल्कि ये मौका संघर्ष का है, जीवन के संघर्ष का, जहां हमारी एक एक पल की उदासीनता हमें अंधकार की तरफ धकेल रही है। स्वागत है, मैं हूं मोहम्मद कमर खान। आप देख रहे हैं पानी की कमी को लेकर न्यूज वर्ल्ड की विशेष पेशकश, जहां हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जो मौजूदा वक्त में जल संकट से जुड़ी ऐसी स्थिति को पेश कर रही हैं, जिन्हें हम अकाल का नाम दे सकते हैं। एक एक बूंद पानी के लिए घंटों का इंतजार, कई किलोमीटर का सफर और आंखों में एक बुझी बुझी सी उम्मीद, ये नज़ारा आजकल आम हो गया है। अपनी इस मुहिम में हम हल्ला बोलेंगे पानी की समस्या के खिलाफ और मांगेंगे जिम्मेदारों से जवाब। जल है तो कल है। पानी के संकट को टटोलते हुए हम पहुंचे देवास के बागली विकासखंड। जगह बहुत छोटी है, लेकिन यहां पानी की समस्या इतनी विकराल है कि इसे देखकर एक बार के लिए हर कोई सहम जाता है। आलम यह है कि भीषण गर्मी के कारण सूखे जल स्रोतों के बीच यहां पर सभी नल जल योजना भी फेल हो गई है। कहने को तो यहां पर करोड़ों की लागत से कई गाँव में पानी की टंकियाँ बनवाई गई थी, लेकिन ज़रूरत के वक्त ये महज शोपीस नज़र आ रही हैं। और आज की तारीख में यहाँ के लोग कुएं और बावरियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जहाँ पर कभी तो इनको पानी नसीब होता है तो कभी नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और कई किलोमीटर दूर जाकर महिलाएं और बच्चे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ लगभग आधा दर्जन गाँव में नल जल योजना फेल हो चुकी है और जिम्मेदार अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं।
कितनी पुरानी है? पानी नहीं, अरे कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है? कितना साल हो गया? अरे यहाँ तो कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल? 12 साल हो गए। करीब 7-8 साल पहले बनी। क्या लागत क्या बताई जा रही है इसकी? इसका अनुमान तो नहीं, शायद 22 लाख के ऊपर बताया गया। मतलब 22 लाख की टंकी आज 100 पीस बनी हुई है? हाँ 100 पीस बनी हुई है अभी तक। गाँव के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा उसका? हाँ, टंकी का कोई फायदा नहीं मिल रहा। टंकी बनी पड़े 10-12 साल से, पानी का बूंदा आज तक नहीं डला उसमें। कहाँ से लाना पड़ रहा है अभी पानी? अरे वो अपने खेत में चला रहे, खेतों में दूर से 3-4 किलोमीटर दूर से ला रहे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जल संकट मंडराने लगा है। पानी के संकट और एक एक बूंद को टटोलते हुए हमारी टीम पहुंची है देवास के बागली विकासखंड। क्या कुछ माजरा देखने को मिला, इस पर बात करेंगे हमारे संवाददाता से पवन उपाध्याय, जो कि बागली संवाददाता है। पवन, क्या कुछ माजरा देखने को मिल रहा है जल संकट के चलते? पानी के एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं जल संकट को लेकर? मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जल संकट बहुत गहरा गया है और बागली में आधा दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहाँ पेयजल के लिए पीएचई ने काफी पहले कदम तो उठाए थे, मगर वो सारी उसकी पीएचई की जो पेयजल लाइन डली थी वो सारी ध्वस्त हो गई है। टंकियां भी खाली पड़ी हुई है, करोड़ों रुपए शासन ने लगाए मगर उसका उपयोग नहीं हो पाया जी। तो जिस तरह ग्रामीणों की बात की जाए जल संकट को लेकर, और दूर दूर तक जाना पड़ता है, नल योजना के तहत क्या कुछ सुविधा मिली ग्रामीणों को? नल योजना के लिए तो कहीं कहीं नल जल योजना ग्राम पंचायतों में चल पा रही है, बाकी पीएचई ने जो लाइन डाली थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, खत्म हो चुकी है वो लाइन। नहीं चलने के कारण जो है लोगों को खेतों में से दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा। आज सुबह से अपने पेयजल की व्यवस्था में सभी पूरे परिवार के लोग लगे रहते हैं जी। पवन, अगर बात की जाए तो पीने के पानी का संकट को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं, कई किलोमीटर दूर तक पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में ये तो पीने की पानी की बात है, और अगर यहाँ के लोग खेती पे अगर आश्रित है तो खेती के लिए पानी कहाँ से मिल पा रहा है? उस समय खेती के समय तो क्या है, वाटर लेवल रहता है जी, वो में पानी रहता है, ट्यूबवेलों में पानी रहता है, मगर ये जो भीषण गर्मी है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या और विकराल हो जाती है। वाटर लेवल नीचे उतर जाता है, जमीन के नीचे काफी गहरे में वाटर लेवल चला जाता है, इस कारण से लोगों को काफी परेशानी आती है। अगर प्रशासन उसी समय अगर ध्यान दे इस ओर तो पानी की समस्या से निजात मिल सकता था लोगों को। लेकिन अब अभी जो है मई का ये करीबन मई की 15 तारीख को होने वाली है और अभी से पेयजल की हालात है, तो अभी तो जून पूरा पड़ा हुआ है, अगर पेयजल के हालात रहे तो ग्रामीणों को काफी परेशानी से और जूझना पड़ेगा जी। जिस तरह देखा जाए ग्रामीणों को पानी को लेकर काफी परेशानी है, ऐसे में जिम्मेदार जो अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जल स्रोत सूख चुके हैं, नल जल योजना ध्वस्त हो चुकी है, पानी की जो टंकियां उनमें पानी भर नहीं पाता है, ऐसे में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारियों का तो वही रटाया बयान देता है इस विषय में, जब भी उनसे बात की जाए हम व्यवस्था करवाते हैं, टैंकरों की व्यवस्था करवाएंगे, नलकूप खनन करवाएंगे, ग्रामीणों को सुविधा देंगे, पूरी सुविधा देंगे, मगर उसके बाद भी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं हो पाई है जी। पानी लगातार पानी की कमी को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है, महिलाएं बच्चे दूर दूर तक जाते हैं पानी लेने के लिए। और बागली विकासखंड की जो तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों को बताते हैं, आप देख रहे हैं पानी की समस्या इतनी विकराल है यहाँ पर कि इसे देखकर एक बार आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि आलम यहाँ पर भीषण गर्मी के कारण सूखते जल स्रोतों के बीच यहाँ पर सभी नल जल योजनाएं फेल हो चुकी हैं। तो पवन, अगर बात की जाए ग्रामीणों की परेशानियों को लेकर, पीने के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए ग्रामीण तरस रहे, अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की कि समस्याओं का हल कैसा होगा, उनका वही रटाया जवाब मिला कि कार्रवाई की जाएगी, मामले में जो है काम किया जा रहा है, नल जल को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह की बातें अभी बाइट में हमने सुनी वाकई काफी दिल दहला देने वाली बातें हैं, जिस तरह से पानी के एक एक बूंद को लेकर ग्रामीण तरस रहे हैं। तो अभी फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल दिख रहा है वहाँ गाँव में? गाँव में सर बहुत ही भयानक माहौल बना हुआ है पेयजल समस्या को लेकर। आज सुबह से बच्चे और परिवार की महिलाएं दूर दूर एक एक दो दो किलोमीटर दूर से अपनी मशक्कत करके, जिस प्रकार अपन वीडियो फुटेज में अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, वीडियो फुटेज में स्पष्ट दिखा रहे हैं कि जिस तरह वो साइकिल से गाड़ी बेल से दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, आज सुबह उठकर जाते हैं और करीबन 2-3 घंटे में अपने पेयजल की समस्या से वो निजात पाते हैं। हर रोज का यही स्थिति बनी हुई है, हर प्रतिदिन वो जो है
इसी प्रकार सुबह उठकर और पेयजल की मशक्कत के लिए दूर दूर कुओं में, खेतों में जो कुएं हैं वहां जाकर अपने पेयजल की पूर्ति करते हैं। जी बिल्कुल पवन, देखने वाली बात होगी कि अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, जल है तो कल एक विशेष कार्यक्रम न्यूज़ वर्ल्ड की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसको लेकर ये कहा जा जिसको लेकर पानी से जुड़ी समस्याओं को लेकर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कहां कहां किस तरह के जल संकट को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। खासकर के मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां के देवास की बागली विकासखंड, कहने को तो एक बहुत छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पानी को लेकर समस्या सामने आई है, इससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों महिलाओं को जो है दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ रहा है, कई किलोमीटर का सफ़र तय करके एक एक बूंद इकट्ठा करके लानी पड़ रही है। जल स्रोत की अगर बात की जाए वो दम तोड़ चुके हैं, नल जल योजनाएँ जो हैं वो फेल होती नज़र आ रही हैं, और इन सारी बातों को लेकर जब न्यूज़ वर्ल्ड की टीम जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंची तो उनका वही रटा रटाया जवाब सामने आया कि कार्रवाई की जा रही है, नल जल योजनाओं को लेकर सही कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जो है परेशानियों नहीं उठानी पड़ेंगी क्योंकि पानी को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर पानी को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ एक अलग ही दर्द बयां कर रही हैं। ग्रामीण एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके कान पर जू नहीं रिंग रही, सिर्फ मिल रहा है तो काम का आश्वासन, कार्रवाई का आश्वासन और उचित कदम उठाकर पानी की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन। पानी को लेकर न्यूज़ वर्ल्ड की विशेष पेशकश, और आपको बता दें मौजूदा वक्त में जल संकट से जुड़ी ऐसी स्थिति को पेश किया जा रहा है जिसे हम अकाल का नाम दे सकते हैं, तो शायद कोई गलती नहीं हो कि एक एक बूंद पानी के लिए घंटों का इंतजार ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके। देश की 13 राज्यों में जल संकट की आहत। WHO की माने तो 2025 तक भारत जल दबाव की स्थिति में होगा। उत्तर प्रदेश, आपको बता दें जल संकट न सिर्फ शहरों मोहल्लों गांवों में बल्कि देखा जाए तो देश की एक तिहाई क्षेत्र में जल संकट मंडरा रहा है। खास करके अगर देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हल्लाबोल में आज हम बात कर रहे हैं देवास के बागली की। बागली विकासखंड कहने को तो एक छोटी सी जगह है, लेकिन जितना विकराल रूप यहाँ पर जल समस्या ने लिया है उसको लेकर यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। आपको बताते हैं जल संकट एक ऐसा विकराल रूप लेता जा रहा है जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। खास करके अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर पीने के पानी के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे साइकिलों पर पानी भरने के लिए जा रहे हैं, दूर दूर से पानी भर कर ला रहे हैं, बाल्टियों में कैनों में भर कर पानी लेकर आ रहे हैं। ग्रामीणों की स्थिति यह है कि बैलगाड़ियों साइकिलों से पानी दूर दूर तक पानी की तलाश करते हैं, जहां पानी मिल जाता है वहां रुककर पानी भर लेते हैं। आपको बता दें जिस तरह का जल संकट मंडराया हुआ है उसको लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। यहां अगर हम बात करें बागली के जनपद CEO की अमित कुमार व्यास, इनको हमारी टीम ने फ़ोन लगाया, मामले को लेकर उन्होंने बात की थी, मामला क्या है। जैसे ही मामला सुना उन्होंने फ़ोन काट दिया, कई बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। हालांकि बेल जरूर जा रही है, फ़ोन जरूर लग रहा है लेकिन रिसीव नहीं कर रहा है क्योंकि मामला ऐसा है उस पर कोई भी कुछ अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमारी टीम जिम्मेदार अधिकारियों के पास गई थी तो एक आश्वासन इनकी तरफ से मिला कि पानी के संकट को लेकर उचित कदम उठाए जा रहा है, नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी भी जो है उचित कदम उठाने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन ये उचित कदम कब उठाया जाएगा एक बड़ा सवाल बना है, क्योंकि तेज भीषण गर्मी के चलते जिस तरह से सूरज आग उबल रहा है उस हिसाब से पानी का संकट मंडराया हुआ है और लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस खबर पर अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता कमल मस्कोले। कमल जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कमल मस्कोले जी, आपका हमारी आवाज मिल रही है? अब तक उनसे संपर्क नहीं हुआ। हम आपको बता दें इससे पहले हमने बात करने की कोशिश की जनपद CEO अमित कुमार व्यास से,
हमारी पैनल से टीम लगातार उनसे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश करी। एक बार उन्होंने फ़ोन भी रिसीव किया, जब मामला पूछा, मामला बताया गया तो उन्होंने मामले को जानते ही फ़ोन काट दिया, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कई बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा। इतना विकराल रूप पानी को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा, खास करके देवास के बागली की बात की जाए, इसको लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता कमल मस्कोले। कमल जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी, देवास के बागली का विकासखंड का जल संकट को लेकर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जल है तो कल है। जिस तरह से इस विकासखंड में पानी की समस्याओं को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, अगर आप भी उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका भी मन जो है ये इस चीज़ को लेकर भावुक हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे नन्हे बच्चे महिलाओं के साथ दूर दूर तक पानी की समस्या से निपटने के लिए, पानी की तलाश करने के लिए, एक एक बूंद को इकट्ठा करने के लिए दूर दूर जाते हैं, किसी तरह पानी भरकर लेकर आते हैं। तो जब इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले को लेकर, जिस तरह से प्रदेश के कई इलाकों में जल संकट मंडराया हुआ है? हाँ जी जी, कमल जी क्या कहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सर कि वर्तमान में वर्तमान क्षेत्र में बागली क्षेत्र के अंतर्गत तो जल संकट की गहरी और भयंकर समस्या है। इस संबंध में क्या हुआ कि पूर्व में से भी कहीं से करोड़ों की लागत से टंकियां भी बनी हुई है जी। जो आज वर्तमान में उसका अनुपयोगी है, वो लाखों करोड़ रुपए लगे हैं टंकियों में, क्षेत्र में लगी टंकी बनी है, परंतु उन टंकियों का वर्तमान में न तो रखरखाव है और न ही इसका कोई उपयोग हो रहा है। वर्तमान क्षेत्र में क्या जल संकट की जो समस्या है जी, काफी बनी हुई है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कहीं कहीं दूर दूर से पानी लेके आते हैं, तो मतलब एक विडंबना है कि क्षेत्र में ऐसी कुछ पर्याप्त व्यवस्था है, बरसात से पहले या गर्मी को देखते हुए व्यवस्था नहीं हो पाई है क्षेत्र में जी, ताकि भविष्य में जल संकट समस्या से निपटा जा सके जी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में अफसर से मतलब प्रशासनिक अफसर से लेकर इससे ज्यादा तो क्या है कि क्षेत्र जो जनप्रतिनिधि है जी, वो ज्यादा जवाबदार मानता है उनको, उनकी लापरवाही जी। ज्यादा है। कमल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से देखा जाए डेढ़ दशक हो गया एक ही पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज है, बावजूद इसके जल संकट मंडरा रहा है, और इस तरह के जल संकट के निजात पाने के लिए नल जल योजना का भी शुभारंभ किया गया था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि नल जल योजना शासन की तरफ से चलाई जरूर गई, लेकिन ये योजना भी दम तोड़ती नजर आ रही है और लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि शासन की तरफ से जो नल जल योजना चलाई जा रही है, चलाई गई थी, वो वर्तमान में बनी भी हुई है, ऐसा नहीं है, परंतु क्या है कि वो नल जल योजना एक लिमिट दायरे में बनी हुई है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उन नल जल योजनाओं की जो पूर्ति, जल पूर्ति कैसे की जाए, इस समस्या पे शासन और प्रशासन दोनों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया जी। करोड़ों की लागत से टंकी तो बना दी, नल जल योजना भी लागू कर दी, वो भी ठीक है, परंतु इनकी व्यवस्था कैसे की जाए, इनमें पानी कैसे भरा जाए, पानी की व्यवस्था कहाँ से की जाए, ये व्यवस्था शासन प्रशासन के माध्यम से नहीं हुई जी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों से हमारी टीम ने लगातार बात करने की कोशिश की लेकिन वो स्क्रीन पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि मौके पर हमारी टीम पहुंची थी, हमारे रिपोर्टर कैमरामैन भी उनसे बात करने पहुंचे तो सिर्फ आश्वासन दिया गया। क्या लगता है, इस तरह से जल संकट से लोग जूझ रहे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, अभी भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको कि टंकियाँ जो बनाई गई उन तक पानी नहीं पहुँच रहा, जल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं, कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके बैलगाड़ियों और साइकिलों के जरिए ग्रामीणों को पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है? क्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि इन सारी समस्याओं के पीछे सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, क्षेत्रीय विधायक हो, यहाँ पे भाजपा का करीब 50-60 साल से काबिज रहा है बागली विधानसभा क्षेत्र में, परंतु इनके माध्यम से जो आसपास के जो जलाशय के जो जलाशय है, या इनके माध्यम से बड़े से जलाशय की स्थापना या नहीं की गई है, या बड़े तालाब की व्यवस्था नहीं की गई है कि चाहे गर्मी में हमें पानी की व्यवस्था मिल जाए जी। अब अगर गर्मी में पानी की व्यवस्था से अगर इनसे पूछा जाए कि गर्मी में पानी की व्यवस्था करें तो ये कहाँ से करेंगे, ये तो अपना पल्ला झाड़ेंगे, परंतु गर्मी की समस्याओं को देखते हुए या भविष्य की समस्या को देखते हुए कोई ऐसी बड़ी योजना इनके द्वारा क्रियान्वित की जानी चाहिए, जिससे गर्मी के समय में हमारी जो समस्या है जल स्रोत, मेन जो समस्या जल स्रोत, वो दूर हो जाए।
जी कमल जी, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आप विपक्ष में ही, विपक्ष का काम होता है समस्याओं से सरकार को अवगत कराना। जिस तरह से आपने बात कही है कि जिम्मेदार अधिकारी वाकई इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, शासन की तरफ से योजनाएं चलाई गई लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हो रही है, लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आपने भी, आपकी कांग्रेस की सरकार ने भी कई सालों तक जो है राज किया यहाँ पर दिग्विजय सिंह की अगर बात की जाए, और विपक्ष के होने के नाते इस तरह की समस्याओं को उठाने के लिए क्या कुछ आप करेंगे? नहीं, हम तो क्या है कि वर्तमान में अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है जी, तो हम तो सबसे पहले ये है कि जो वर्तमान जैसी समस्याएं, जल संकट की समस्याएं खड़ी ना हो, खड़ी ना हो, ऐसे हम कदम उठाएंगे या क्षेत्र में कहीं ऐसे जलाशयों का निर्माण करवाना चाहेंगे जिससे भविष्य में ऐसी जो संभावना, ऐसी जो मुश्किलें पैदा ना हो। चलिए, बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि अगर आप सरकार बनती है तो इस तरह का आप आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि जब सरकारें बन जाती हैं तो आश्वासन जो है छू होते नजर आते हैं। अभी देखने वाली बात होगी, आप हमारे साथ जुड़े वक्त ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बात की हमने देवास के बागली की, आगे बात करेंगे चुनावी मौसम में एक बार फिर देश और प्रदेश में गुलाबी वादों की छड़ी लगी हुई है। कहीं देश के शत प्रतिशत रोशन होने का सरकारी जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं मंच से विकास की गंगा बहाने की शपथ ली जा रही है। इन सब के बीच हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के नीमच में, नीमच के एक ऐसे गांव में जो चुनाव के वक्त किए जाने वाले इन दावों और वादों की पूरी हकीकत बयां कर रहे हैं। ना सड़क का नामो निशान, ना बिजली की सुविधा और ना ही पानी का कोई इंतजाम। जहां तलक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ बेबसी और बदहाली ही नजर आएगी। आजादी के 70 सालों बाद की ये तस्वीर नीमच के अरनिया मानगिर गांव की बदनसीबी बताने के लिए काफी है। देश में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी का शोर है, लेकिन इस गाँव के लोग दो बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो सड़क आज भी इनके लिए एक सपना है। प्यास बुझाने के लिए इन्हें हर रोज कुछ इसी तरह पथरीले रास्तों पर मीलों का लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये पानी की सुस्ता ही नहीं है, हाँ। पानी की बहुत दुखी है, रास्ता भी नहीं है, पानी का नल भी नहीं है हमके यहाँ। पानी बहुत कुएं से छेटी से लाके लाना पड़ता है हमको। नसल कच्चे पाटा में पानी बेड़ लेके आए नीचे गिर जाते, बहुत परेशान होता है। पानी आती नदी, पानी की समस्या में पानी पीने का लेके आना था, गाय दांड ले जाते तो बहुत पानी में कच्चे में फंस के जाते हम। कोई पानी की है कई को नहीं, यानी गाँव में रोड की कई को नहीं, बोट लीन सालीन सारा माना बीजा बना है घर पे। वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सलिया जाओ खांग में बेवड़ो खांदा में रस्सी ना किन सलिया जाओ। पिछले 70 सालों में विकास के वादों के नाम पर यहाँ के भोले भाले बाशिंदों को सियासत ने किस कदर छला है, ये तस्वीर उस छलावे की भी तस्दीक है। ग्रामीणों के मुताबिक विधायक से लेकर सरपंच तक वादे तो सबने किए, लेकिन चुनाव के बाद किसी ने कभी मुड़कर तक नहीं देखा। आलम ये है, अगर कोई अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता भी है तो इस गाँव की दुर्दशा देखने के बाद वापस चला जाता है। पूरा बच्चे पानी लेवा जाई रहा तो अबे अटे मारी बड़ी बड़ी लड़की कहीं पानी लेवा अटे दूर जावे कहीं अटे का की बाथरूम की सहायता नहीं है, अटे नारिया की सहायता को नहीं, अटे का की भी सहायता मार तो दिल नहीं मेरे देवा। मारी बेटी अबे बाजार के होड़े रही था कि मारी बेटी अटे दिन कहीं करो ऐसा गाल। जब हमने ग्रामीणों की समस्या को लेकर जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो वो हर बार की तरह वही रट रटाया बयान देते नजर आए। कहीं ना कहीं हमने नीमच जिले में अभी सब दूर जहाँ मोटर की आवश्यकता नहीं थी मोटर देने की है, ट्यूबवेल की खनन की आवश्यकता पड़ी वहाँ खनन करवाया, कहीं टैंकर देने की आवश्यकता पड़ी तो टैंकर भी दिए हैं, और यदि गांव वाले मेरे पास कोई प्रस्ताव ले आएंगे तो मैं उसमें टैंकर की व्यवस्था भी करवा दूंगा और इसकी भी जाँच करवा लूंगा और PHC का अधिकारियों को बोल के जल्दी से जल्दी उनकी कुछ ना कुछ व्यवस्था कराएंगे। जैसे आपने आपको मुझे बताया तो मैं भी भेजता हूँ जाँच कराता हूँ कि पाइप लाइन गली है तो नल क्यों आने आ रहा है, समस्या क्या है, रोड क्यों नहीं आ रही है, सब देखना चाहूँगा। पानी व्यवस्था करेंगे, लोगों को समस्या नहीं आएगी। बिजली पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम ये गांव आज भी विकास की बाट जो रहा है, देखना होगा कि उसका ये इंतजार और कितना लंबा खींचता है, और विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें कब इन बदनसीबों की सूद लेती है। नीमच से
न्यूज वर्ल्ड के लिए अफजल कुरैशी की रिपोर्ट। आजादी को 70 साल हो गए, बावजूद इसके आज भी देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। बिजली, सड़क तो एक अहम मुद्दा है ही, पानी को लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी आपने जो ताज़ा तस्वीरें देखी नीमच ज़िले की हैं, यहाँ पर लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। कई किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके, पानी की जुगत करके, किसी तरह अपना गुजर बसेरा कर रहे हैं। देवास के बागली की तस्वीरें हमने दिखाई, यहाँ एक एक बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। कहने को तो करोड़ों लाखों रुपये की टंकियां बनाई गई आपको बता दें, लेकिन जल स्रोत सूख चुके हैं, टंकियों में पानी नहीं है। कहने को तो शासन की तरफ से नल जल योजना चलाई गई, लेकिन जिस तरह से इस योजना के दम तोड़ता नजर आ रही है ये योजना, उससे ये साबित होता है कि जिम्मेदार इस तरह की पानी की समस्या को लेकर गंभीर शायद नहीं है। कई बार आला अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रिंगती, अगर कुछ मिलता है तो आश्वासन मिलता है। तस्वीरें आपने देखी, हकीकत आपने देखी, क्या कुछ बातें सामने आई ये भी आपने देखा, दावे और वादों की सच्चाई क्या है ये भी आपने देखा। जो न्यूज वर्ल्ड अपनी एक मुहिम चला रहा है जल है तो कल, इसमें लेकर मध्य प्रदेश के अलावा कई और राज्यों से जल से जुड़ी समस्याओं को लेकर आपको अवगत कराते रहेंगे। आगे हम आपको दिखाएंगे नीमच से जुड़ी कुछ और तस्वीरें। हल्लो बल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड।